अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ कोरोना से मुतासरीन जो लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं, उन लोगों के लिए यहाँ राशन का बंदोबस्त किया गया है। और ये वसीमुद्दीन मेओव UC-25 के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने दोस्तों और अपने मुगैर हजरात के ताबुन से इस राशन का इनाकात किया है। और यहाँ सैनिटाइज़र का स्प्रे भी किया जा रहा है, जैसा कि अगर आप देखेंगे कि सैनिटाइज़र का स्प्रे भी हो रहा है ताकि माहौल को साफ रखा जाए। ये पूरी कोशिश की जा रही है कि जरासीम से पाक हो। और ये आप देख रहे हैं कि बड़ा सिस्टमेटिक जो है ना इन्होंने, और ये मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूं कि ये शनाख्ती कार्ड जमा कर रहे हैं, उसके बाद दे रहे हैं। ये UC-25 के लोग हैं जिनको राशन दिया जा रहा है, UC-25 के लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। वसीमुद्दीन मेओ जो मुत्तहिदा के चेयरमैन भी हैं और कोरंगी के फोकल पर्सन भी हैं, उनकी ये मेहनत, उनकी ये काविश है कि वसीम भाई तकरीबन कितने लोगों को राशन दिया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमें कल जो है ना 100 टोकन बांटे थे घरों पे जाके ना अपनी UC में, उसमें कुछ इलियास गोल्ड के भी लोग थे हमारे अपने, तो लोग बड़े परेशान थे। हमने टोकन दिए थे 100, मगर हमने अभी 100 टोकन देने के बाद ये 150 राशन हमारे पास हैं। 100 अभी हम टोकन वालों को दे रहे हैं, उसके बाद 50 देंगे अपनी UC-25। भाई ये आपके साथ किसने कोऑपरेट किया है? मकसद जी, ये जो राशन आप दे रहे हैं, सैनिटाइज का स्प्रे हो रहा है, तो इसके लिए आपके साथ कोऑपरेट किन लोगों ने किया है? देखिए मैं आपको बताऊँ, मेरे यार दोस्त हैं, बचपन के यार दोस्त हैं, हम बैठे, हमने अपनी एक मीटिंग करी। अदनान भाई हैं, जाहिद भाई हैं, इमरान आजमी भाई हैं, और भी लोग हैं, मार्केट के लोग हैं हमारे, सब करके मुझ समेत हमने भी आपस में बैठे डोनेशन करा, आपस में करके ये फिर हम ये काम कर रहे हैं। और अच्छा, वो जो और ये जो DC ऑफिस से जो मिलने थे उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ? अभी तक DC ऑफिस से कुछ नहीं हुआ, रब्ता हुआ था उन्होंने, शायद मेरी जो बातचीत हुई, ये बोला आज रात या कल देंगे। अभी बस ये मकसद ये अभी आप इसलिए कर रहे हैं कि वो DC ऑफिस और गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई हिलजुल नहीं हुई है नहीं। और ये अपने तौर पर वसीम भाई अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से इन्होंने ये डोनेशन जमा करके ये आवाम तक पहुंचाया जा रहा है, जिसके लिए मैं एक दफ़ा फिर वसीम भाई को बहुत बहुत मकसद ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करूँगा कि वो इस तरह की एफर्ट कर रहे हैं। तो आपने DC ऑफिस से अभी दोबारा बात हुई है आपकी? वो आज करेंगे, आज रात में या कल लाजमी करेंगे, वो उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने बोला हमने लिस्टें फाइनल कर ली हैं और राशन जैसे ही आता है। ये मैं इधर देख रहा हूँ वसीम भाई कि एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई है, अगर उनको आप दिलवाएं कि जैसे वो बहुत उम्र रसीदा है, वो चल नहीं सकती, तो मैं चाहूँगा, मैं भी आपको दिलवाता हूँ जी। हाँ, जो कम से कम बूढ़े लोग हैं, हमें उनको पहले जो है ना, मैंने जो है उन्हें इसी वजह से बिठाया हुआ है अम्मा को, और अभी देते हैं। अदनान भाई एक राशन, अम्मा को कुर्सी पे बैठी है। अदनान भाई आप क्या कहेंगे? अदनान भाई इतना अच्छा काम हो रहा है, कुछ तो दो लफ्ज बोलना पड़ेंगे। असल में बात यह है कि हम अच्छे काम को बास जगह दिखाना पड़ता है ताकि दूसरे लोग और आगे बढ़े। मकसद ये नेकी है, देखिए अच्छाई को बढ़ाना चाहिए। लोग परेशान है, इसलिए काम किया जा रहा है, और जितना हो सकेगा हम करेंगे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, करते रहेंगे। अल्लाह आपको और हिम्मत दे, आपको और हिम्मत दे। वसीम भाई ये आपके दोस्त हैं अदनान भाई? जी मेरे बचपन के दोस्त हैं ये, और भी हैं, और भी लोग यहाँ खड़े में हैं, जाहिद भाई हैं, दानी भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं। और हमने इंशाल्लाह कल फिर टोकन बांटेंगे, परसों फिर राशन देंगे, जबरदस्त। और इंशाल्लाह ये चलता रहेगा, ये स्प्रे भी आप दिखा सके आपका कैमरामैन। ये अगर मैं कहूँ अपने कैमरामैन को, तो स्प्रे दिखाया जाए कि डिटॉल और सैनिटाइजर का स्प्रे किया जा रहा है, और ये कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये मकसद ये लग नहीं रहा है कि ये कोरंगी है वसीम भाई? बिल्कुल मेहनत, बिल्कुल जी। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी क्रेडिट जाता है, हमारी MQM पाकिस्तान को, क्योंकि उन्होंने हमें हिदायत दी है। एक बात और मैं पूछूं वसीम भाई, पूछ सकता हूँ, इजाजत है? बिल्कुल वसीम भाई, आप अपने तौर पे तो कर रहे हैं, लेकिन मुत्तहिदा का राशन कहाँ है? बिल्कुल आने वाला है वो, हम हाँ बिल्कुल वो भी आएगा, वो भी आने वाला है। जैसे हुकूमत का आ रहा है वैसे तो नहीं आएगा, नहीं, वो आपको पता है KKF के जरा मसले थे, अब इंशाल्लाह ऑन हो गया है KKF। सोशल मीडिया पे मैंने देखा है राशन की तैयारी हो रही है, हो मैं तो आपसे ऐसे अजराए मजाक पूछ रहा हूँ कि MQM इतनी देर करती नहीं है? नहीं देर नहीं करती, मगर हमने UCO से भी करा है, चेयरमैनों ने, MP है हमारे गुलाम जलानी भाई, डिप्टी इकबाल भाई, जितने भी जावेद हनीफ भाई MP है, वो भी कर रहे हैं, सही है ना? और अब ये और आ रहा मस्जिद, तो इंशाल्लाह बहुत
फर्क पड़ेगा और घरों में राशन लोगों के पहुंच रहा है। ये बहुत जरूरी बात है क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन को 8-9 दिन हो रहे हैं और लोग मारे मारे फिर रहे हैं, और इस माहौल में जो भी ये काम कर रहे हैं वसीम भाई और दूसरे लोग, इनके दोस्त, और दूसरे शहर में जो काम कर रहे हैं, दूसरे मुल्क में, हमारे इस मुल्क में जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं ये खिदमत का, ये लोग कमाल कर रहे हैं, और हमारी यही दुआ है कि या अल्लाह इनको और हिम्मत दे और हिम्मत दे और हिम्मत दे।